हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो पर आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज मैं जंगल की ओर सैर करने जा रही हूं और आप सबको अपने साथ ले चलूंगी जंगल में। तो चलिए आप लोग भी जंगल में, और दिखाती हूं आज जंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा जो लोग गांव से हैं वो लोग देखे होंगे। शहर में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं जंगल की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा जो है ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये सीजन में ही मिलता है, हर मौसम ये आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो है चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं बट वो लोग नहीं आ रहे हैं कैमरे में। तो अभी हम जंगल में जाकर ही पूरी आप लोगों को दिखाएंगे। चल रहे हैं हम लोग जंगल। ये सामने का रास्ता है जो मेरे पीछे दिख रहा है, वो देखिए, वो जो लंबा लंबा सा पेड़ है ना, वो है, वो पेड़ है, और वो उसका नाम है ताल। हमारे गांव में इसे ताल कहा जाता है। ये देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, उसमें फल लगे हुए है ना, बिल्कुल उसी फल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सामने भी एक है, वो देखिए, जो कि अंधेरा सा दिख रहा है, मौसम की वजह से अंधेरा दिख रहा है। ये देखिए, ये है ताल का फल। हमारे यहाँ इसे ताल कहा जाता है, और ये बिल्कुल नारियल के जैसे गोल होता है, और उसी के जैसे अंदर में जो उसका फ्रूट निकलता है बिल्कुल उस तरह का ही निकलता है। जब ये छोटा या मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होता है ना, तब इसमें भी उसी तरह नारियल पानी के जैसा पानी निकलता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी एकदम नारियल जैसे सख्त हो जाते हैं। तो ये देखिए, बस अंतर इसमें ये है कि नारियल में एक ही जो है अंदर का होता है और इसमें तीन छोटे छोटे होते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये देखिए, इसका पेड़ भी बिल्कुल नारियल के पेड़ के जैसा ही होता है। हमें तो लगता है इसका जाति एक ही जैसा है, लेकिन ये हर मौसम आपको नहीं मिलेगा, वो हर मौसम मिलता है। और ये नारियल के जैसा हेल्दी भी होता है। और ये देखिए, इसमें चढ़ने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता लेनी ही होती है। तो यहाँ पे लेडीज़ लोग जो है ये सब नहीं कर सकती हैं, तो बहुत सारे जेंट्स सब लोग घर के ही थे, गए थे, और एक बांस की हेल्प से वो चढ़ रहे हैं पेड़ पर। और उससे जो है चढ़ने के बाद वो काटने के लिए एक औजार लेके चढ़ रहे हैं, उसी से जो है उसे काटेंगे। और ये फल ना एक एक करके नहीं फलता है, नारियल जैसे एक एक फलता है ये बिल्कुल वैसा नहीं होता है, ये गुच्छे में फलता है, जैसे केला अंगूर इस तरह का जो गुच्छा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का ये गुच्छे में फलता है। और इसका एक कांड बहुत ही बड़ा होता है, और एक कांड को कोई उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक गुच्छे में लगभग 10-12 तो होते ही हैं, उससे भी ज़्यादा होते होंगे, और बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, तो इस वजह से नहीं उठा पाएंगे। तो वहाँ पे चढ़ के बैठ के, अच्छे से बैठ के, और धीरे धीरे करके वो काट रहे हैं और नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब कटेगा और सब लोग खाएंगे। तो लड़की लोग जो है आगे नहीं आ रही है, कैमरे हैं इसलिए। तो ये देखिए, वो वहाँ पे दिख रहा होगा, एकदम छुप गया है, क्योंकि इसका पत्ता जो है, इसका पत्ता का ना झोपड़ी बनाने के काम भी आता है, जो छोटे छोटे लोग जंगल में बनाते हैं उस तरह का। तो ये देखिए, ये काटने का औजार लेके चढ़ा है और उससे काट रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, ये जल्दी से कटता भी नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो काट रहा है, और ये देखिए, बार बार काट रहा है फिर भी ये कट नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और हम लोग तो फल को भी काट के नहीं खा सकते हैं, वो भी कोई काट के देता है तभी हम लोग खा पाते हैं, नहीं तो नहीं काट पाते हैं, वो इतना टाइट होता ही है कि हमसे नहीं काटा जाता है। तो ये देखिए, वो लोग जो हैं पेड़ का, पेड़ के ऊपर का सीन ले लिए हैं,
और मैं वहाँ पे खड़ी थी, मैं चढ़ी नहीं क्योंकि मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, और हमारे यहाँ लेडीज़ लोग नहीं चढ़ती हैं और कहीं भी नहीं चढ़ती होंगी, पेड़ पे कौन लड़की चढ़ती है। तो ये देखिए सब लोग ऊपर चढ़ गए हैं, और यहाँ पे वो जो है धीरे धीरे करके हो गया है, तो अब वो धीरे से नीचे आ जाएंगे। और बहुत सारे फल तोड़ दिए थे क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे, तो ये देखिए कितने सारे लोग गए हुए हैं, और सब लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं फल को, उठा उठा के एक जगह कर रहे हैं और फिर काट के सब लोग एक जगह बैठ के और खाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे खाए नहीं थे, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किए और लेके घर आ गए थे। फिर घर में हमने खाना, घर में जो है इसे काट के खाए थे, तो वहाँ पे बस खाली लड़के लोग ही खा रहे थे। तो ये देखिए इसको इस तरीके से काटा जाता है जो कि हमसे नहीं होता है, कोई भी लड़की जो है नहीं काट पाती है, ये देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।